बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साथियों, दुनिया भर में 10 अप्रैल को होम्योपैथिक तरीके इलाज से मुतालिक आगही और शऊर पैदा करने के लिए होम्योपैथी का आलमी दिन मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल ये दिन होम्योपैथी तरीके इलाज के बानी डॉक्टर सैमुअल हैनमैन के यौम पैदाइश यानी 10 अप्रैल 1755 के मौके पर मनाया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी ऐसा तरीके इलाज है जिसमें उमूमन अद्वियात बीमारी के नाम के बजाय मर्ज की अलामत से तजवीज़ की जाती है। डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक और अपनी तमाम टीम की जानिब से होम्योपैथी से जुड़े हुए तमाम दोस्तों और साथियों को जहां कहीं भी हों बशमूल आप सब के सलाम पेश करता हूं। और जो इस पैथी से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी जगह खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर 3 किस्म के तरीक़ाए इलाज राइज हैं, यानी तिब जिसे हिकमत भी कहते हैं, नंबर 2 एलोपैथिक और नंबर 3 होम्योपैथिक। दोस्तों, होम्योपैथिक अल्लाह ताला की जानिब से एक अनमोल तोहफा है। इस वक्त होम्योपैथिक तरीके इलाज दुनिया का दूसरा नंबर पर बेहतरीन तरीका इलाज है जिसको डॉक्टर हैनमैन ने ईजाद किया था। और कितने तजुब की बात है कि जिस इंसान ने यानी जिस अजीम इंसान ने एलोपैथिक मेडिसन ईजाद की उसने ही होम्योपैथिक ईजाद की। दोस्तों, होम्यो का मतलब है यकसान यानी एक जैसा और पैथी से मुराद है बीमारी। होम्योपैथी का असूल है कि बीमारी का इलाज वही बीमारी पैदा करने वाले अज्जा से ही हो सकता है। इस असूल को अंग्रेजी में लाइक क्योर लाइक कहा जाता है। जी हाँ, अक्सर आम तौर पर कहा जाता है कि लोहा लोहा को काटता है। दोस्तों, होम्योपैथी से मुतालिक आगही और शऊर पैदा करने की सख्त ज़रूरत है ताकि अवामी सतह पर इससे मुस्तफीद हुआ जा सके। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।